6 अप्रैल न्यायाधीश शनिदेव का है आज शनिवार। कुंडली में बन रहा है शुक्ल योग, नए लोगों से पहचान बढ़ने वाली है। चंद्रमा का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग होगी मजबूत। लेकिन चंद्रमा का 6ठे भाव से षडाष्टक दोष दुश्मन घात कर सकते हैं। भय से छुटकारा पाने के विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे मंगल शुक्र की युति अगर 3rd हाउस में हो तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 6 अप्रैल शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन आज शानदार और यादगार बने। आगे बढ़ने से पहले कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक गांव में 2 किसान भाई रहते थे। छोटा हमेशा गरीब और बड़ा अमीर से अमीर बनता चला गया। एक दिन वह बड़े भाई के पास बीज की बुवाई के लिए पैसे उधार मांगने के लिए गया, लेकिन भाई ने मना कर दिया। थक हार कर वो अपने ही खेत में 6 महीने तक खूब मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का कोई फल नहीं मिलता और फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। वह गरीब का गरीब ही रह जाता है और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बैठा भगवान को कोस रहा था। तभी वहाँ एक सांप निकल कर आता है और फन मारकर वहाँ खड़ा हो जाता है। वो घबरा जाता है, लेकिन उसने सोचा कि भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा। दूध का कटोरा लाकर उनके पास रख देता है और खुद बाहर चला जाता है घर पर। वापस आता देखता है कटोरा खाली, लेकिन पास में एक सोने का सिक्का है। उसे बड़ा आनंद आता है। वो वापस अगले दिन दूध का कटोरा रखता है, फिर उसे वो सोने का सिक्का मिल जाता है। धीरे धीरे गरीब किसान अमीर बन जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है। लेकिन बड़े भाई को जब ये बात पता चलती है तो वो कहता है, छोटा तो मूर्ख है, एक एक सिक्के से क्या होगा, मैं एक ही दिन जाके सारे सिक्के निकाल लेता हूँ। वो लाठी लेकर उस सांप के बिल के बाहर बैठ जाता है। जैसे ही सांप आता है लाठी मारना शुरू करता है, लेकिन सांप पर लाठी पड़े उससे पहले सांप ही उसे काट देता है और भाई की मृत्यु हो जाती है। क्या सीख मिलती है? ज्यादा का लालच हमेशा दुखदायी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अति सर्वत्र वर्जयते, यानी आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दूसरों में खुशियां और सुख ढूंढोगे, दूसरों को दुखी करके अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश करोगे तो कोई गड्ढा किसी के लिए खोदता है तो खुद ही गिरता है उसमें जाके। ऐसा कोई भी काम नहीं करें। अपने मन में, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए अच्छे भाव लेकर आए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 अप्रैल को चंडीगढ़ हूँ, 7, 17 और 27 अप्रैल को दिल्ली रहूँगा, 13 अप्रैल रांची, 14 अप्रैल गुड़गांव, 28 अप्रैल मुंबई रहूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूँगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 10:20 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 3:40 तक शतभिषा और फिर पूर्वा भाद्रपद अक्षत रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया शुक्ल योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी कुंभ राशि में रहेंगे और आज के दिन शनि और चंद्रमा का विष दोष भी रहेगा। लेकिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आज वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत व्रत और दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़े रहेगा। कोशिश करिएगा सुबह 9 से सुबह 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज बिस्तर से उठते ही पेन पेपर लेकर अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। प्रॉफिट किस पे मिले, हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हमारा काम कैसे जल्दी हो, इसे ऑर्गेनाइज करिए। शुक्ल योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। अपने मैनेजर को मोटिवेट करिए ताकि वो और ऑर्डर लेकर आ सके, लक्ष्य पाने में सफल हो सके। बिजनेस पर्सन की पिछली चल रही प्लानिंग सफल होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते ग्राफ ऊपर जाएगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है, जिससे प्रसन्नता में वृद्धि होगी। प्रसन्न मन से आगे की आप काम करने की इच्छा और कर पाएंगे और इस सिलसिले में अपने बनाए हुए प्लान को सक्सेसफुल होते हुए मान सम्मान को देखेंगे। लाभ के नए अवसर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेन देन में, ट्रांजेक्शन में सावधान रखिए। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। बिजनेस पर्सन को डील करते समय सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। न्यू जनरेशन पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में रहते हुए खुद को लोगों से जोड़ने का प्रयास करें। अपना मोबाइल, लैपटॉप, अपना कमरा इसी में व्यस्त ना रहे। परिवार में नई योजना बनेगी। आप अपने जिंदगी की रुचि पता लगाएं कि किस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, वो सबसे पहले करिए। वीकेंड पर सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाए। चिकनी चीजें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं और यात्रा में सावधान रखें। वृषभ राशि,
घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उनके पद चिन्हों पर चलकर आपको बहुत अच्छा फील होगा। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी आप बॉस की नजरों में छा पाएंगे। जॉब में कुछ बदलाव जरूरी है और वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास और सम्मान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस पर्सन, किसी अपरिचित या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह लेकर आज डील को कैंसिल होता हुआ देखेंगे, इसलिए हर किसी पर भरोसा न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आपको सफलता के झंडे गाड़ने के लिए कहीं न कहीं कोई मदद करेगा। जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने वाला है। यदि घर के छोटों से कोई गलती हो गई है तो उन्हें माफ करने में भलाई है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांस और ट्रेवल सब होगा। न्यू जनरेशन, अपनी गुप्त बातें किसी के भी साथ साझा न करें, कुछ बातों को गोपनीय रखना जरूरी है। ड्राइव करते समय अलर्ट रहें और ट्रैफिक रूल का पालन न करना नुकसान दे सकता है। मिथुन राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान पूजा पाठ, धर्म कर्म में और आध्यात्मिक चेतना जगेगी। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का आपको मौका मिलेगा और पीठ पीछे तारीफ भी होगी। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने होंगे, रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा और ऑफिस पे वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। बिजनेस ठीक है, दोपहर के बाद बड़े लाभ मिल सकते हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट मंडे से करने उसकी योजना आज बना सकते हैं। और बड़ा ऑर्डर और टेंडर कैसे मिले, कमाई बढ़े कैसे, इसके लिए बैठ के ग्रुप डिस्कशन करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, उत्साह के साथ आज शानदार प्रैक्टिस करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाएंगे। परिवार के साथ भोजन करिए, उन विचारों को शेयर करें जो मन में दबे हुए हैं। और आज हायर एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाना है, अप्लाई करना है, उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट आज कर सकते हैं। पहले से स्वास्थ्य बेहतर है इसलिए एक्स्ट्रा एडवांस पे काम करिए। कर्क राशि, कई जटिल मामले होते हैं जो लगता है कि आप कभी सुलझ नहीं पाएंगे, उसके अंदर डूबिए और निखार के साथ आप निकलेंगे, समाधान के साथ निकलेंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए, बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। मेरे प्रिय साथियों, जो लोग किसी भी प्रकार के सबॉर्डिनेट अपने आसपास के लोगों पर मोहताज रहते हैं, उनको मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ कोई ना कोई काम करिए और अपनी इमेज को बरकरार रखिए और कुछ बदलाव करके आपका मन अच्छा रहेगा और बेहतर परिणाम मिलेगा। विष दोष के बनने से हालांकि घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के साथ आज कामकाज लेट बहुत होंगे। बिजनेस पर्सन के पास यदि बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अलर्ट हो जाएं, हड़बड़ी में गलती करने वाले हैं। न्यू जनरेशन अपने व्यवहार की कमियां जानकर उसे दूर करने की कोशिश करें, इसके साथ ही उन्हें व्यवहार को लेकर सतर्क भी रहना चाहिए। अच्छे व्यवहार का फाइनेंशियल कोई मूल्य न हो लेकिन लाखों दिलों में आपको आपकी जगह बन सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातचीत में कोई जोखिम न ले वरना आपकी इमेज भी खराब हो सकती है और पार्टनर भी चला जाएगा। मानसिक तनाव, अज्ञात भय के कारण आप शाम को कोई गलती करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कंफ्यूज और डबल बाइंड आज रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि भय, डर, अज्ञात या ज्ञात भय है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला तो खुद पर विश्वास करिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद 3 मिनट ओम का जाप करके वह संकल्प दोहराइए जो आप चाहते हैं। उसके बाद काले कुत्ते को उड़द की दाल के बने पकौड़े खिलाएं। किसी जरूरतमंद को काले तिल से बने पकवान, काली उड़द और कुछ दक्षिणा भेंट दीजिए। शाम के समय में पूर्व दिशा में मुख करके सुंदरकांड का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। शनिदेव और बजरंगबली ऐसी कृपा बरसाएंगे कि छप्पर फाड़ के आपके घर में खुशी आएगी। सिंह राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर या दोस्तों से मन मुटाव आज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शुक्ल योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों को जॉब जाने का खतरा रहेगा लेकिन नए मौके आपको जरूर मिलेंगे। आप अपनी प्रतिभा पर विश्वास करिए। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण दिख रही है जो भविष्य में लाभ और सुख देगी। बिजनेस पर्सन, ज्ञान और साहस के दम पर कारोबार का विस्तार कर सकते हैं और आज नई कंपनी से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जिसके चलते आपने जैसा सोचा है वैसा ही दिन होगा। ट्रांजेक्शन यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में सावधान रखिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट और आईटी के साथ साथ लॉ के स्टूडेंट के लिए प्रबल संभावना आगे बढ़ेगी। वीकेंड पर फैमिली के साथ खुश रहेंगे और ट्रेवल करके बड़ों का स्टे मिलेगा और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, शुरुआत में मैंने कहा था मन मुटाव इससे हो सकता है। अच्छा खान पान, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको बहुत खुश रखेगा, हेल्दी और वेल्दी रखेगा। कन्या राशि, शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है।
वीकेंड पर वर्क प्लेस पर काम करते समय आलस्य न रखें, वरना आपके वीकेंड की प्लानिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। और आलस्य ईश्वर के दिए हुए हाथ पैर का बड़ा अपमान है। कामकाज समय पर पूरे हो पाए इसके लिए आप समय से पहले ऑफिस चलिए। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए वर्क प्लेस पर कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। बिजनेस पर्सन के लिए किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना है। धंधे में लाभ हानि चलती रहती है, लेकिन ग्राहक खाली न जाए याद रखिएगा। संतान की एजुकेशन करियर पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी कंपनी पर भी ध्यान दिए। कभी कभार उनके मोबाइल वगैरह पे चेक करिए, कहीं कुछ गलत हरकत है तो नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में लगे रहिए और आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस को घर के बाहर रखिए, इसी से आपका दिन अच्छा रहेगा। न्यू जनरेशन को अत्यधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। काम से फ्री होकर फैशन पैशन हॉबीज पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। सेहत के मामले में आप लकी हैं, लेकिन अच्छी नींद बहुत जरूरी है। आंखों में दर्द और शरीर में कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। बच्चों को चाहिए कि माँ बाप से दिल खोलकर बात करें, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाएं और उन्हें समझने की भी कोशिश करें। वीकेंड होने के बावजूद भी आपके ऊपर बेहतर काम करने का प्रेशर रहेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को बहुत सतर्क रहना है, कोई आपको फंसा सकता है, मान सम्मान डिस्टर्ब कर सकता है। बिजनेस एक्सपांशन के लिए एक्सपीरियंस टीम हायर करिए और मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कदम बढ़ाएं। बिजनेस एक्सपांशन, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ने के लिए आज का दिन शुभ है। दोपहर 12:15 से डेढ़ या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में काम करिए। नई प्लानिंग पर काम पूरा हो पाएगा और नई योजनाओं का पूरा लाभ भी आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स करंट अफेयर के बारे में जानकारी रखिए और नई टेक्नोलॉजी के सहारे आपके काम बहुत आसान हो सकते हैं। आनंद का माहौल बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधे पर लीजिए। विवाह, घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। गहराई से विचार करके फैसला करिए। न्यू जनरेशन यदि आकलन करेंगे तो वह समझ पाएंगे उन्होंने अपना कीमती समय गवा दिया है, यानी टाइम वेस्ट आज आप करने वाले, इससे बचिए। सेहत में बेफिक्र रहना नुकसान दे सकता है। वृश्चिक राशि। माताजी के आशीर्वाद से आपके काम सधेंगे और दुर्गा माँ से प्रार्थना करके शनि देव का आशीर्वाद लेकर काम पर चलिए। वर्क प्लेस पर कॉन्सेंट्रेशन बरकरार होना चाहिए। काम में आप कोई गलती करने वाले हैं, ओवर कॉन्फिडेंस परेशान करेगा, इससे बॉस सीनियर की फटकार भी मिल सकती है। नौकरी में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह दिन अशुभ हो सकता है। आपके लिए कोई बुरी खबर या प्रतिकूल खबर आ सकती है, ऐसी कोई गलती आप न करें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने वाले दिनों में क्या करना है उसके लिए आज रूपरेखा बनाएं और एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का माहौल स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के मन में रहेगा और वो कुछ गलतियां करने वाले हैं और घर वालों से कुछ छुपाने वाले, इससे बचना चाहिए। परिवार में अधिकतर समय मौन रहे, मौन रहेगा उसके ज्यादातर समस्या ऐसी हल हो जाती है। हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड की तकलीफ, ब्लड प्रेशर की तकलीफ, एंग्जाइटी की तकलीफ परेशान आपको कर सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद नवरात्रि स्पेशल बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती में सापोद्वार का क्या महत्व है। देखिए, ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों ऋषियों ने मिलकर दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकों का निर्माण किया, जिसे संपन्न करके मारण, मोहन और वशीकरण आसानी से संपन्न किया जा सकता था। इस बात का एहसास होकर कि कोई व्यक्ति कलयुग में मंत्र पढ़कर गलत क्रिया संपन्न कर सकता है, ऐसा सोचकर तीनों ने, ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने, इन मंत्रों को श्राप दे दिया ताकि कोई भी इनका दुरुपयोग न कर सके। परंतु नारद जी ने कहा, यदि कोई मनुष्य संकट में हो और इन मंत्रों द्वारा सदकर्म करना चाहते हो तो ऐसा सोचकर फिर वो क्या करेगा। तो उन्होंने इसके रास्ता निकाला, सापोद्वार के 20 श्लोक बनाए। इन मंत्रों का जाप करने के बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तभी वो आपके फलीभूत होती, ये याद रखिएगा। धनु राशि। छोटे हो या बड़े भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए और अपने से छोटे भाई बहन की कंपनी पर भी ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बलबोते पर नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए काम की क्वालिटी में आप सुधार लाने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन की समझदारी और साहस का मेल उन्हें काम क्षेत्र में नई सफलता और सराहना दिलाएगा। शुक्ल योग के बने से वीकेंड को देखते हुए बिजनेस में आपके हाथ नए ऑर्डर, टेंडर और मुनाफा लग सकता है। न्यू जनरेशन को मन काफी शांत रखना होगा और खुद में पॉजिटिविटी लानी होगी। बात करें फैमिली की तो आप अपनों के साथ गैरों जैसा व्यवहार न करें, उन पर विश्वास करें। ऐसा करने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। रोमांच और रोमांस के साथ आज कुछ अच्छी खरीदारी, शॉपिंग के साथ ट्रैवल भी संभव होगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय का सदुपयोग करिए और हेल्दी कॉम्पिटिशन करिए। ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायबिटिक लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा।
मकर राशि। सत्कर्म करिए, पुण्य कर्म करिए, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य चमकेगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ अपना सुर ताल और लय बिठा के चलिए। किसी भी विवाद में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। जॉब में काम बनने के योग बन रहे हैं और नौकरी में आपके व्यक्तित्व में अनुशासन की वृद्धि होगी और आप आसानी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कमीशन एजेंट और जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं उन लोगों के लिए जितना फिरोगे उतना आप चरोगे, यानी फिरोगे एंड ट्रेवल करोगे तो नए अनुबंध होंगे। कानूनी रूप से आप अवेयर रहें, कोई आपको फंसा सकता है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के कॉम्पिटिशन अच्छे और हेल्दी ढंग से करने से मनचाही सफलता मिलने वाली। न्यू जनरेशन का आध्यात्मिकता की तरफ, धार्मिक गतिविधियों की तरफ रुझान बढ़ेगा और मन शांत रहेगा। फैमिली में भाई बहनों के बीच कोई वार्तालाप खराब हो सकता है, भाई बहनों को कोई कष्ट आ सकता है, इसलिए उनकी मदद करिए, उनके बारे में बुरा बिल्कुल नहीं सोचे। गलत और गलत समय पर भोजन करने की वजह से आपको स्टोमक से संबंधित तकलीफ हो सकती है, फाइबर ज्यादा यूज करिए। कुंभ राशि। मन को विचलित होने से बचाना होगा और बेचैन होने से भी बचाना पड़ेगा। नेगेटिव लोग और एनवायरमेंट से दूर रहें। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश होने वाली, इससे न के बराबर करिए। सैलरी बढ़ाने प्रमोशन की बात तो साइड में रखिए, जॉब बचाने की कोशिश करिए। बिजनेस में आकस्मिक फायदा तरक्की दे सकता है। वर्क प्लेस पर कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन दूर होंगी और नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। किसी खबर का इंतजार था वो मिल सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में आप दोनों की आपसी समझ और सूझबूझ से बॉन्डिंग मजबूत होगी और नए अनुबंध कर पाएंगे। न्यू जनरेशन के कंधों पर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी को भार कतई न समझे। पारिवारिक जिंदगी सुख में रहेगी। किसी महत्वपूर्ण काम में हम सफर के द्वारा आपको अच्छी सलाह दी जाएगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको कॉम्पिटिशन करना एक दूसरे से फलीभूत होगा। डायबिटीज के पेशेंट है, एक्सेस एंग्जाइटी रहती है, आपको परेशान रहती है, तो वॉक करिए ज्यादा से ज्यादा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीन राशि। बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान, दिखावे में कोई खर्चा न करें। वर्क प्लेस पर काम का लोड बढ़ने से प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए, वरना वीकेंड खराब हो जाएगा। इस दोष के बनने से जॉब में बनते काम बिगड़ जाएंगे आपकी लेट लतीफी, आलस्य, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मैन पावर और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण आपको कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए पहले से इसे भांप के इसका निस्तारण करिए। बिजनेस में लोन लेने की विचार करें, किसी से पैसा बोरो करने की विचार करें, तो पहले ये चेक करिए क्या ये जरूरी है या जो सीमित संसाधन हमारे पास अभी है उसी से काम चल सकता है। इस पर चिंतन और मंथन करने से, बहुत सारे खर्चे और कर्जे करने से आप रुक जाएंगे। काम का प्रेशर और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते न्यू जनरेशन के मन में बेहतरीन सुझाव आएंगे, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फैमिली लाइफ में आप अपने इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच तालमेल बिठाइए और बजट बनाकर चलिए, वरना पारिवारिक समस्या बढ़ जाएगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने मेहनत के बलबूते पर ही आगे बढ़ेंगे। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप भी बीमार पड़ सकते हैं, ख्याल रखिएगा। आइए प्रिय साथियों, अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान। जो एनर्जेटिक प्लेनेट है मंगल, अगर वो मेरे प्रिय साथियों मंगल अगर शुक्र के साथ थर्ड हाउस यानी भाई बहनों के घर में हो तो नौकरी में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलते हैं, व्यापार व्यवसाय में ठीक ठाक लाभ मिलता है। परिवार में बहन को बड़ी परेशानी हो सकती है, घर में आकस्मिक मृत्यु होती है। ऐसे जातकों को लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सहयोग तो मिलता है, लेकिन उनके पार्टनर उनके लिए लॉयल होते हैं, लेकिन ये खुद उन्हें धोखा देने का काम करते हैं। लेकिन अब आप चेक करिए, कई बार ये दो शादी का योग भी बना देता है, संतान होने में तकलीफें देता है। दूसरा, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो सूर्य पुत्र शनि महाराज का तेल से अभिषेक करें, उन्हें प्रसाद के रूप में स्वयं घर के बने हुए नमकीन वितरित करिए और गरीब और जरूरतमंद लोगों को समोसे मिर्ची वड़े खिला दीजिए। और इसके साथ साथ दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और जो सफाई कर्मचारी कहीं पर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ढूंढिए, उससे जाकर आज कुछ गिफ्ट कर दीजिए। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि मजा आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।